तो आज हमने पहले ही दो वीडियो डाल चुके हैं। ए टू जेड वैदिक ज्ञान टेक्निकल प्लेलिस्ट में आपको मिलेगी दोनों वीडियो। पहली पहली बेसिक जानकारी एक वीडियो में है और फर्स्ट और सेकंड लेयर कैसे सॉल्व करते हैं वो दूसरी वीडियो में है, और आज हम थर्ड लेयर कैसे सॉल्व करेंगे ये आपको बताएंगे। यहाँ पे आपको तीन कंडीशन मिल सकती हैं, चार भी मिल सकती हैं वैसे तो, लेकिन ज़्यादातर तीन ही मिलती हैं। नंबर एक, जो सिंगल कलर है ये आपको सिंगल मिलेगा, इसमें आपको और कोई नहीं मिलेगा। सॉल्व करने के लिए वही है कि यहाँ पे आपको पहले प्लस चाहिए। अब एक कंडीशन ये होगी, आपको एक ये कंडीशन मिलेगी, दूसरी कंडीशन में आपको एल मिलेगा जैसे ये ऊपर दिखाया गया है। तीसरी कंडीशन में आपको स्ट्रेट लाइन मिल सकती है, एक स्ट्रेट लाइन मिल सकती है चाहे ऐसे चाहे ऐसे, तीसरी कंडीशन। और चौथी कंडीशन में ये हो सकता है कि आपको प्लस पहले से ही ऑलरेडी बना हुआ मिल जाए, बस उसको आपको सेट कर रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको प्लस बनाना है, तो प्लस बनाने के लिए अगर आप फर्स्ट पोजीशन पर है तो आपको तीन बार लगाना पड़ेगा, सेकंड पे रहेंगे तो दो बार लगाना पड़ेगा, अगर स्टेट पे है तो तीन बार लगाना पड़ेगा, प्लस बन जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका फार्मूला क्या है, फार्मूला है एफ। अगर आपकी ये सिंगल है तो आप किधर से भी पकड़ सकते हो इसको, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले क्या है, हम ऐसे पकड़ लेते हैं एफ आर यू, आर डैश यू डैश एफ डैश। अब आपका ये दूसरा जो दूसरा पॉइंट है, जो दूसरी स्टेज है वो आ गई है। अब यहाँ से आपको दो बार फार्मूला लगाना पड़ेगा, और ये ध्यान रखना है कि जो ये एल है, ये एल ऐसे भी हो सकता है, आप ऐसे मतलब किधर से भी देख लो ये एल बनेगा, लेकिन एल पकड़ना कैसे है, एल ये एक एल अपनी तरफ होना चाहिए और एक राइट साइड में। हम फिर से वही फार्मूला लगाएंगे एफ आर यू आर डैश एफ डैश, सॉरी यू डैश और एफ डैश, ये हो गया। अब ये दूसरी स्टेज आ गई, अब तीसरी स्टेज आ गई। अब यहाँ के बाद आपको एक लगाना है, और एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगी तो आपको ये ऐसे नहीं पकड़ना है, आपको ये ऐसे पकड़ना है, आपको इस तरीके से होनी चाहिए। तो हम फिर से लगाएंगे एफ आर यू आर डैश यू डैश एफ डैश, अब ये आपका प्लस बन गया, और सबको छोड़ दो, ये आपका प्लस बन गया है। अब प्लस बनने के बाद आपको दो कंडीशन मिलेगी, एक कंडीशन या तो आमने सामने के दो कलर मैच हुए मिलेंगे, या फिर दो साइड वाले दो कोई भी कलर मिलेंगे। इसमें सबसे पहले कोई भी दो कलर आपको मैच मिलेंगे, जैसे ये पीला और वाइट दोनों कलर मैच हो गए हैं, ये फर्स्ट स्टेज है, तो इसमें हमें आमने सामने रखना है, मतलब एक कलर जो मैच किया हुआ है वो अपनी तरफ होना चाहिए और दूसरा सामने की तरफ होना चाहिए। अब हम इसमें फार्मूला लगाएंगे आर यू टू आर डैश यू डैश आर यू डैश आर डैश। तो अब हम देखेंगे अब हमारा कौन कौन से कलर मिले हैं। तो अभी बैंगनी मिल गया है, अभी साइड वाले मिलेंगे और येलो। अब ये दोनों हमारे गलत हैं, इन दोनों पर आपको ध्यान नहीं देना है। तो ये आपकी सेकंड स्टेज है, सेकंड स्टेज में क्या है कि ये दो कलर मैच हैं लेकिन ये दो कलर मैच नहीं है। तो इसमें क्या है, वाइट इधर होना चाहिए था लेकिन इधर है, ग्रीन इधर होना चाहिए था लेकिन इधर है। तो अभी हमें क्या करना है, वो फिर से हमें यही फार्मूला लगाना है, और फार्मूला लगाने के लिए हमें फिर से क्या करना है, एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो अनसोल्व है वो एक कलर अपनी तरफ और दूसरा अनसोल्व राइट की तरफ होना चाहिए। इसको ऐसे मत पकड़ लेना या ऐसे मत पकड़ लेना, ठीक है, या ऐसे भी मत पकड़ लेना कि एक सोल्व अपनी तरफ और एक सोल्व लेफ्ट की तरफ। आपको क्या करना है, एक अनसोल्व अपनी तरफ होना चाहिए और एक अनसोल्व राइट की तरफ होना चाहिए। तो अभी हम फिर से वही फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला क्या है आर यू टू आर डैश यू डैश आर
यू डैश आर डैश। तो अभी हम देखेंगे कि ये कलर तो मैच हो गए हैं, लेकिन अभी हम इसे थोड़ा सा घुमाएंगे। ये हमने घुमा दिया ग्रीन ग्रीन, वाइट वाइट, बैंगनी बैंगनी, येलो येलो। अभी ये प्लस हमारा बन गया। अब प्लस बनने के बाद अभी हमें क्या करना है, ये तो बन गया, अब हमें कॉर्नर पीस सेट करने हैं। कॉर्नर पीस सेट करने के लिए अगर आपको सबसे पहले आपको ये देखना है कि जैसे ये ऑरेंज येलो और ग्रीन है, तो ये ऑरेंज येलो और ग्रीन है, ये कोना ठीक है। उसके बाद ऑरेंज येलो और बैंगनी है, ये गलत है। ऑरेंज बैंगनी वाइट, ये भी गलत है। ऑरेंज वाइट और ग्रीन, ये भी गलत है। तो अभी हमें इसमें कंडीशन भी हो सकती है, इसमें या तो आपका कोई भी कॉर्नर पीस सेट अपनी जगह नहीं होगा या एक होगा। तो अगर कोई भी नहीं है तो आप ये किधर से भी पकड़ सकते हैं, लेकिन अगर एक कोई सा भी कॉर्नर पीस अपनी जगह सेट है, चाहे वो कलर मिसमैच हो रहा है कोई नहीं, लेकिन अपनी जगह सेट है, तो आप उसको राइट कोने में पकड़ना है। तो कौन सा हमारा कलर मैच है, ये वाला ऑरेंज ग्रीन येलो, ये मैच है। तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमको एक फार्मूला लगाना है। फार्मूला क्या है, एल, ये है एल डैश, यू आर यू डैश एल, यू आर डैश यू डैश। अभी हमारा ये फार्मूला है, अगर हम एक मतलब कोई सा भी कलर पर नहीं है तो तीन बार लगेगा, अगर एक है तो दो बार लगेगा। अभी हमने एक बार लगा दिया, अभी हम फिर से देखते हैं। ऑरेंज बैंगनी येलो अभी भी नहीं आया, ऑरेंज ग्रीन येलो आ गया, ऑरेंज बैंगनी नहीं आया, ऑरेंज वाइट ग्रीन नहीं आया। तो अभी हम फिर से एक बार लगाएंगे एल डैश यू आर यू डैश एल यू आर डैश यू डैश। अभी हम देखेंगे, अभी हमारा ये लगभग कंप्लीट हो गया है। तो अभी हम कोने देखेंगे, बाकी तो हमारा सारा प्लस तो ठीक है, ओके, ये पीस भी ठीक है। अभी हम देखेंगे ऑरेंज है, ग्रीन है, येलो है, ओके, अब उसके बाद ग्रीन है, वाइट है, ऑरेंज है, ओके, बैंगनी है, वाइट है, ऑरेंज है, ओके, ऑरेंज है, बैंगनी है और येलो है। तो अभी हमारा ये कॉर्नर पीस अपनी जगह सभी बिल्कुल सही जगह पर आ गए हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस कॉर्नर पीस का अपने अपने बिल्कुल कलर वाइज लगाना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, आप कैसे भी पकड़ सकते हैं, इधर से पकड़ सकते हैं, इधर से पकड़ सकते हैं, इधर से पकड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको एक फार्मूला लगाना है। फार्मूला क्या है, आर डैश डी डी डैश आर डी, और यही फार्मूला जब तक लगाना है जब तक ये पीस अपनी जगह सही ना आ जाए, ठीक है। फिर से आर डैश डी डैश आर डी, ये पीस अपनी जगह आपने देख रहे हो आ गया लोकेशन पर। अभी आपको और कोई भी चीज़ मैच नहीं करनी है, बस इसी का ध्यान करना है। अब ये अपनी जगह पर आ गया, इसके बाद हम इसको ऊपर वाले को एक बार फिर घुमाएंगे, ये तो पीस आ गया अपनी जगह पर। अब दूसरा, दूसरे का भी फार्मूला वही है, आर डैश डी डैश आर डी आर डैश डी डैश आर डी। अब आप देख रहे हो ये भी बिल्कुल इधर भी मैच हो गया इस कलर से, इधर भी मैच हो गया और इधर भी मैच हो गया। अब इसको हम फिर एक बार घुमाएंगे, फिर फार्मूला वही लगेगा, आर डैश डी डैश आर डी आर डैश डी डैश आर डी आर डैश डी डैश आर डी आर डैश डी डैश आर डी। ये भी अपनी लोकेशन पे सही जगह आ गया, वाइट के वाइट या ग्रीन के ग्रीन। अब एक बचा, इसको भी हम फिर से ऐसे घुमा देंगे, आर डैश डी डैश आर डी आर डैश डी डैश आर डी आर डैश डी डैश आर D।
आर डैश बी डैश आर डी। अब आप देखोगे ये भी आ गया, लेकिन अभी ये थोड़ा सा गलत है। मतलब क्या कि बन तो गया है, अभी हमको ये एक बार घुमाना पड़ेगा, एक बार घुमाना पड़ेगा। अब आप देखोगे ये पूरा क्यूब सोल्व हो चुका है और सोल्व के साथ साथ ये कलर भी मैच कर चुके हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे ही नॉलेज प्राप्त करने के लिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें, बेल आइकन की घंटी जरूर दबा दें, क्योंकि आने वाले वीडियो आप तक सीधे पहुंच सके। ऐसी ही ज्ञानवर्धक नॉलेजेबल वीडियो आप तक पहुंचने के लिए आप घंटी जरूर दबाएं। अगली वीडियो तक के लिए धन्यवाद, आप मुझे आज्ञा दें। जय हिंद, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भारत जय भारत, और चैनल का नाम है A to Z वैदिक ज्ञान, ये तो आप जानते हो। ओके, धन्यवाद, जय हिंद।